सो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में काफ़ी धमाकेदार वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो मोबाइल्स के बीच में, और जो दोनों ही एक्चुअली होता है क्या है कि हर एक साल जो Realme और Xiaomi है वहाँ दोनों ही मॉडल आपस में टक्कर देने के लिए बराबर की दमदार फ़ोन देते हैं, और दमदार प्राइस सेगमेंट पर सेम ही प्राइस सेगमेंट होता है और काफ़ी स्पेसिफिकेशन भी सेम होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन टू मोबाइल्स, एक MI की तरफ से 11X और दूसरा Realme X7 Max आया है वो। तो दोनों ही फ़ोन 5G हैं, दोनों के बारे में क्या स्पेसिफिकेशंस हैं डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले गाइस, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन को ऑल करिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे पहले। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ओवरऑल हैंड फील्स की कि कौन कौन सा फ़ोन है जो हाथ में कैसा लगता है, तो सबसे पहले जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं कि अगर हम बात करें MI 11X की, तो यहाँ पे इसका जो डिस्प्ले साइज़ है वो बड़ा होने की वजह से जो कह सकते हैं कि इन हैंड फीलिंग है, थोड़ा हाथ में बड़ा लगता है, थोड़ा हैवी लगता है। बट वहीं पर अगर हम बात करें Realme X7 Max की, तो उसका डिस्प्ले का साइज़ ठीक ठाक है और वो जो हैंड में है उस हिसाब से कह सकते हैं कि इन हैंड फीलिंग जो है वो सही रहता है, कि हैंड अगर आपका छोटे भी हैं तो ठीक ठाक आपके हाथों में आ जाता है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं लगता है, आपको थोड़ा और फील नहीं होता है, मतलब थोड़ा हाथों में जो है वो सेट आ जाता है। दूसरी तरफ हम नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे बिल्ड की कि दोनों का कैसा बिल्ड है, तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो MI 11X है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ग्लास पैनल बैक साइड में, जो कि काफ़ी ग्लॉसी लगता है, काफ़ी आपको वहाँ पे स्क्रैच लेस होता है और वगैरह, आप थोड़ा अपना फेस वगैरह भी उस पर देख सकते हैं, काफ़ी मतलब प्रीमियम लुक लगती है, क्योंकि ग्लास पैनल होने की वजह से पीछे की तरफ भी शाइनिंग आ जाती है। तो वहाँ पे अगर हम बात करें जो Realme X7 Max है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है प्लास्टिक का बैग, तो यहाँ पे थोड़ा सा दोनों में डिफरेंसेस आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट है, जो कह सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी एक पट्टी दी गई है जिसमें आपको थोड़ा देखने को मिल जाएगा जैसे कि ग्लास वाला लुक। बट यहाँ पे अगर बात करें बैक साइड से, तो दोनों का लुक आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही प्रीमियम लगते हैं, ऐसा नहीं है कि वो पॉलीकार्बोनेट के साथ आता है तो वो अच्छा नहीं लगता है, दोनों ही सेट काफ़ी अच्छे लगते हैं, बट ग्लास ग्लासी होता है, और उस ग्लास की वजह से थोड़ा सा अगर हम बात करें MI 11 X की, तो वहाँ पे थोड़ा सा मैं इन हैंड अगर फील की बात करें तो थोड़ा वेट ज़्यादा लगता है, क्योंकि वहाँ पे ग्लास पैनल है, और अगर एज़ कम्पेयर वेट की बात करें Realme 7 Max की, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट कम लगता है, इन हैंड ऐसा लगता है कि अगर आप इसको पॉकेट में रखते हो तो एक फील आती है कि कोई ज़्यादा वजन नहीं है, बट एज़ कम्पेयर टू MI 11 X तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट गाइस, पहले सबसे नेटवर्क की बात कर ले, तो हमें दोनों ही मॉडल में सेम नेटवर्क्स देखने को मिल जाता है, 2G 3G 4G 5G, बट यहाँ पे एक एडवांस फीचर्स है जो एक प्लस पॉइंट है हम कह सकते हैं कि Realme X7 Max में, वहाँ पे आपको 5G के 7 बैंड्स देखने को मिलते हैं, और अगर हम बात करें MI 11 X की, तो वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही बैंड 5G के देखने को मिलते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अभी पता नहीं है फिलहाल कौन से बैंड आएंगे, बट फिर भी जितने ज़्यादा बैंड होंगे उतनी सही है, कि ज़्यादा बैंड कोई सा भी हो तो वो कनेक्ट हो जाएगा, बट टू बैंड्स में तो एक लिमिट आ जाती है कि अगर वही बैंड होंगे तभी हम चला पाएंगे 5G को। तो ये थोड़ा बहुत यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है Realme X7 Max की तरफ। तो नेक्स्ट गाइस बात करते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले Realme X7 Max की, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि आती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और यहाँ पे देखने को मिलती है 6.43 इंचेस की डिस्प्ले, जिसकी अगर हम बात करें पीक ब्राइटनेस की, तो हम इसको ले जा सकते हैं, काफ़ी हाई ब्राइटनेस है, जिसकी वजह से क्या है कि हम इसको डे लाइट में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आने वाली बात नहीं है, और यहाँ पे ड्रैगन टेल हमें कोरिना ग्लास की जो प्रोटेक्शन है वो देखने को मिलती है डिस्प्ले में। और वहीं पे अगर हम दूसरी जगह पे बात करें जो हमारा सेकेंडरी फ़ोन है उसके बारे में, MI 11 X के बारे में, तो उसकी जो डिस्प्ले का साइज हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, और यहाँ पे SDR10 का सपोर्ट है, और 1300 निट्स तक उसकी पीक ब्राइटनेस ले जा सकते हैं, जिससे कह सकते हैं कि जो डिस्प्ले का ब्राइटनेस लेवल है वो काफ़ी हाई है, और हम उसको आसानी से डे लाइट्स में यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। डिस्प्ले की साइज़ की बात करें तो 6.67 इंच की डिस्प्ले हमें देखने को मिलती है इसमें, और यहाँ पे हमें कोरिना ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। तो डिस्प्ले वाइज अगर बात करें दोनों ही मॉडल्स में सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है डिस्प्ले में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और यहाँ पे प्रोटेक्शन दोनों में अलग अलग है। बाकी यहाँ पे बात पहले भी बताई थी कि MI 11 X की जो डिस्प्ले वो थोड़ी सी बड़ी है, जिसकी वजह से इन हैंड अगर फीलिंग की बात करें तो थोड़ा बड़ा लगता है देखने में मॉडल। तो बाकी ऐसा है कि अगर वीडियो वगैरह उसमें वॉचिंग करते हैं, गेमिंग वगैरह खेलते हैं, तो डिस्प्ले बड़ी होने की वजह से हम काफ़ी चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हैं, व्यूइंग एक्सपीरियंस अलग होता है, तो थोड़ा अच्छा देखने में लगता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म की, तो यहाँ पे अगर MI 11X की बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स, और MIUI 12 हमें देखने को मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 870 प्रोसेसर में 5G देखने को मिलता है MI 11X में, जहाँ पे ऑक्टा कोर प्रोसेसर है 1 कोर, यहाँ पे 3.2 GHz क्रायो 585 देखने को मिलता है, और 3 कोर 2.4 GHz क्रायो 585, और उसके बाद 4 कोर 1.8 GHz क्रायो 585 हम देखने को मिलता है। GPU की बात करें तो Adreno 650 हमें देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम बात करें Realme X7 Max की, तो वहाँ पे हमें Android 11 देखने को मिलता है, और Realme UI 2.0 देखने को मिलेगा, और साथ में MediaTek की तरफ से आने वाला Dimensity 1200 5 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर के साथ प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इनहेंस हमें देखने को मिलेगी। और वहाँ पे अगर कोर्स की बात करें ऑक्टा कोर 1.0 जो 1 कोर है वहाँ पे 3.0 GHz Cortex A78 और 3 कोर 2.6 GHz Cortex A78 और 4 कोर 2.0 GHz Cortex A55 हमें देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल जाती है। वहीं पे अगर हम बात करें दोनों के हमने परफॉर्मेंस के बारे में तो जानकारी ले ली, साथ ही में अगर हम प्राइस टैग की बात करें कि दोनों किस प्राइस सेगमेंट पे आते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले MI 11 की, तो यहाँ पे MI 11X जो है उसका बेस वेरिएंट में 6GB 128GB का स्टोरेज है वो 29999 देखने में मिलता है, यानी कि 30,000 रुपये में, और अगर इसके अपर वेरिएंट की बात करें तो हमें 32999 देखने को मिलता है, यानी कि 32,000 रुपये में लगभग हमें देखने को 32 से 33,000 रुपये में लगभग देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें Realme X7 Max की, तो वहाँ उसका जो बेस वेरिएंट है 8GB रैम और 128GB का स्टोरेज वो हमें 27,000 रुपये में देखने को मिल जाता है, और हाँ यहाँ पे हमें 12GB रैम वेरिएंट भी देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें 12GB 128GB का स्टोरेज देखने को मिल जाता है, वो वेरिएंट हमें देखने को मिलेगा 30,000 में। तो प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, और वहाँ पे रैम भी हमें 12GB देखने को मिल रही है। तो आप अपने हिसाब से अगर आपको परफॉर्मेंस वाइज ज़्यादा चाहिए, कि ज़्यादा रैम का यूज़ आप करते हैं, ज़्यादा परफॉर्मेंस, ज़्यादा हैवी गेम्स आप खेलना चाहते हैं, तो आई प्रेफर यू कि आप Realme X7 Max की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें 12GB का जो रैम है वो हमें 30,000 रुपये में मिल रहा है। वहीं पे MI 11 Max की बात करें तो वहाँ पे हमें जो है कि 30,000 में हमें देखने को मिलता है बेस वेरिएंट, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि 6GB और 12GB यानी कि कह सकते हैं कि बिल्कुल डबल है उसके, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी अगर आगे बात करें स्पेसिफिकेशन की, उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी टेक वीडियोज़ रोज़ाना डालते रहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कैमरा सेटअप की, तो यहाँ पे अगर हम बात करें Realme X7 Max की, तो यहाँ पे हमें क्वाड कैमरा सेटअप नहीं देखने को मिलता है, ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है, जहाँ पे प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल f1.8 अपर्चर के साथ देखने को मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को उसके साथ हमें 2 मेगापिक्सल एक मैक्रो शॉट्स के लिए हमें कैमरा दिया गया है। वहीं पर अगर हम बात करें MI 11X की, तो वहाँ पे हम अगर कैमरे की बात करें तो ट्रिपल रियर कैमरा में 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा f1.8 अपर्चर के साथ और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल मैक्रो शॉट्स के लिए देखने को मिलता है। वहाँ पे अगर हम अल्ट्रा वाइड और मैक्रो शॉट्स की बात करें तो MI 11 जो है वहाँ पे हमें ज़्यादा बेस्ट देखने को मिलता है, बट आपके सामने कुछ सैम्पल पिक्चर्स आ रही हैं, आप यहाँ से जज कर सकते हैं कि दोनों में किसकी जो क्वालिटी है वो बेस्ट है। वहीं पे अगर सेल्फी की बात करें तो MI 11X में हमें 20 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, जहाँ पे f2.5 अपर्चर के साथ आती है, और वहीं अगर Realme X7 Max की बात करें तो वहाँ पे हमें 16 मेगापिक्सल की एक सेल्फी देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोनों में होने वाली। और यहाँ पे एक बात बता दें कि बहुत सारे ऐसे यूज़र्स होते हैं जो 3.5mm जैक के बहुत ही लव होते हैं, जिन्हें उससे बहुत प्यार होता है कि उनका यूज़ करना, गेमिंग वगैरह करते हैं, स्ट्रीमिंग वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे हमें Realme X7 Max जो है वहाँ पे 3.5mm जैक देखने को मिलता है, बट वहीं पर अगर हम बात करें MI 11X की, तो वहाँ पे हमें 3.5mm जैक देखने को नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये मिसपॉइंट हो सकता है, डिसअपॉइंटेड हो सकता है उन लोगों के लिए जो कि लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं या गेमिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि अगर चार्जिंग भी लगानी है और हेडफोन भी लगाना है तो वहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा एक्सटर्नल लेना पड़ेगा, जिससे क्या है कि एक्स्ट्रा स्लॉट से हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं, बट Realme की बात करें तो वहाँ पे हम दोनों चीज़ों को साथ में ही लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 3.5mm तक हमें देखने को मिलता है। गाइस आपका कोई भी सवाल है 3.5mm तक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इससे रिलेटेड आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका सवाल क्या है, कि आगे जो फ्लेक्सिबल मॉडल्स आ रहे हैं वहाँ पे 3.5mm जैक होना चाहिए
या नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो हमें सारी ही कनेक्टिविटी दोनों ही मोबाइल्स में देखने को मिल जाती है। पहले ही बता चुके हैं कि जो 5G के बैंड्स हैं वो वहाँ पे हमें रियलमी में 7 देखने को मिलते हैं और MI में हमें सिर्फ 2 बैंड्स देखने को मिलते हैं। बाकी और फीचर्स की अगर बात करें फिंगरप्रिंट वगैरह की, तो यहाँ पे हमें दोनों ही मॉडल्स में सिर्फ फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। बट अगर हम बात करें यहाँ पे बैटरी की, तो 4500 mAh की बैटरी आती है जो कि 50 वाट की चार्जिंग के साथ आती है रियलमी में। और वहीं पे अगर MI की बात करें तो वहाँ पे हमें 4520 mAh की बैटरी देखने को मिलती है 33 वाट की चार्जिंग के साथ। तो दोनों ही मॉडल में काफ़ी अच्छी बात है कि लगभग आसपास ये बैटरीज और चार्जिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो कह सकते हैं कि जो 60 वाट का चार्जर है, बट रियलमी की बात करें तो 60 वाट का चार्जर है बट वो चार्जिंग 50 वाट ही करता है। तो यहाँ पे गाइस आपको वीडियो कैसी लगी आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगली एक वीडियो में लेके आएंगे जहाँ पे हम और कंपैरिजन बताएंगे। अगर आप कोई भी कंपैरिजन किसी भी मोबाइल्स के बीच में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और आई होप कि हम जल्दी ही आपके लिए नया टॉपिक लेके आएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके।